नमस्ते एवरीवन, आज का जो हमारा विषय है वह होने वाला है कलाई के ऊपर, जिसे इंग्लिश में रिस्ट कहा जाता है। तो आज मैं आपको कलाई से रिलेटेड कुछ ऐसे क्रियाएं बताने जा रहा हूं जिससे बहुत लाभ होंगे, जैसे कि जो हमारे कलाई में जोड़ होते हैं वह मजबूत रहेंगे, जो हमारे उंगलियां होती है उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी कभी नहीं होगी, और जो हमारा रक्त संचार है वो अच्छे से बढ़ेगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक कंफर्ट पोस्चर में बैठ जाना है। कोशिश करेंगे स्पाइन को सीधा रखने की, शोल्डर्स को रिलैक्स रखने की, और लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को आपको सामने की तरफ लाना है, इस तरीके से। हथेली जमीन की तरफ रहेगी, आपके दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे समांतर रहेंगे, इस तरीके से, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे ना ही बहुत ऊपर, शोल्डर्स के समांतर रहेंगे। उसके बाद आपको मुट्ठी बनानी है, इस तरीके से अंगूठे को बंद करेंगे और सख्ती से बंद करेंगे और फिर खोलेंगे। ध्यान ये रखें, जब आप बंद करेंगे अपनी मुट्ठी को तो श्वास लेंगे, और जब आप खोलेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। सख्ती से आपको बंद करना है और फिर खोलना है। उंगलियां इस तरीके से आपको स्प्रेड करनी है। इस क्रिया को कम से कम 10 से 15 बार दोहराएंगे। ओके, तो ये था फर्स्ट वन। अभी मैं आपको सेकंड वन बताऊंगा कलाई के लिए। तो आपको इस टाइम भी आपको दोनों हथेलियां फिर से इस तरीके से जमीन की तरफ रखनी, लेकिन इस बार आपको सारी उंगलियों को इस तरीके से सटा कर रखनी। दोनों हाथ शोल्डर्स के समांतर रहेंगे। श्वास लेते हुए आपको इस तरीके से अपनी कलाई को मोड़ना और ऊपर की तरफ टर्न करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरीके से इस क्रिया को भी 10 से 15 बार करेंगे। तो यह थी सेकंड वन जो मैंने आपको बताई कलाई के लिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको श्वास प्रश्वास के साथ करना है। तो चलिए थर्ड वन मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको दोनों हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखना है, उंगलियों को सटाकर रखें, दोनों हाथों को समांतर रखें शोल्डर लेवल पे, और एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ टर्न करें उंगलियों को, और श्वास लेते हुए बीच में लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से बाहर की तरफ, श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। इस तरीके से इस क्रिया को भी 10 से 15 बार करेंगे। ओके, तो ये था थर्ड वन। अभी मैं आपको फोर्थ वन और लास्ट जो कलाई के लिए बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथे में आपको क्या करना है, इस तरीके से हथेली को नीचे की तरफ रखेंगे और अंगूठे को बंद करेंगे और मुट्ठी बनाएंगे और रोटेट करेंगे इस तरीके से, श्वास प्रश्वास के साथ, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 10 से 15 बार इस क्रिया को भी दोहराएंगे। एक बार अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे, उल्टी दिशा में, दोनों तरफ 10 से 15 बार दोहराएंगे। उसके बाद रिलैक्स, दोनों हथेली को घुटने में रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे और लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करेंगे। तो या थे कलाई के लिए कुछ क्रियाएं जो मैंने आपको ब्रेथ के साथ श्वास प्रश्वास के साथ बताई है। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आएगी।
अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस भविष्य में देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो वह आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।